जो है वो इंटरेस्टिंग भी है आप लोगों का। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टुडे लर्न दैट अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म इन क्रस्टेशियंस। जो अभी तक आपने फिश के बारे में पढ़ा, दिस वाज मोर और लेस सिमिलर देन दैट ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स, एक्सेप्शनली टू और थ्री प्लेसेस, इजंट इट? लाइक द नंबर ऑफ सेल्स, दो लिम्फोसाइट्स किसमें होंगे, या फिर सिमिलरली नेचुरल किलर सेल्स के जो फिश में है वो कौन होते हैं। तो क्रस्टेशियन में जो होता है, क्रस्टेशियन कहने का मतलब क्या है? जिसका हार्ड स्केलेटन होगा, जो एक्सोस्केलेटन जिसके हार्ड होंगे। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, ओके ठीक है। यस सर। तो आज हम लोग जो बात करेंगे क्रस्टेशियंस की, क्रस्टेशियन मतलब होता है क्रस्ट, क्रस्ट मतलब हार्ड, ठीक है ना। सो दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ हार्ड एक्सो मेड अप ऑफ हार्ड एक्सोस्केलेटन आर फॉल अंडर द दिस फाइलम क्रस्टेशियन, रफली यदि हम लोग बोले तो, ठीक है। अब क्रस्टेशियंस में ही आपके जितने भी हैं, या तो वो श्रिम्प हो, या फिर क्रैब हो, या फिर आपके जो बाइवल्व्स हैं, बाइवल्व्स भी, बाइवल्व्स एक अलग क्लास है, हालांकि मोलस्क में कहा जाता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है, तो मोलस्क हो गए। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, इनका जो इम्यून मैकेनिज्म होता है लिटिल बिट डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट कैसे? जैसे कि फिश में देखते होंगे लाल रंग का खून होता है, ब्लड होता है, हमारा भी रेड कलर का होता है, बट इन केस ऑफ श्रिम्प, आर यू गेटिंग दैट? नो, इजंट इट? तो सिमिलरली टू हीमोग्लोबिन, दे हैव हीमोसाइट्स, ठीक है, तो हीमोसाइट्स होते हैं। सो बेसिकली व्हाट दे डू, आप जितने भी क्रस्टेशियंस को देखेंगे तो वो बेसिकली दे आर मड बोरोइंग बिहेवियर, ठीक है, जो होता है मड में या बॉटम लेवल पे जो होता है वहां स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो वहां पे पैथोजेनिक लोड बहुत हाई होता है। सो व्हाई? नेचुरली यदि हम लोग देखें तो ऐसे कोई भी जो बॉटम ड्वेलिंग स्पीसीज है, दे हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन एंड दे जनरली कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोड्स और क्रस्टेशियंस, ठीक है। या सेसाइल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप उसको बाइवाल्व्स में देख सकते हैं, जो किसी सबस्टेटम पे चिपक के रह सकते हैं, लेकिन सबस्टेटम मतलब क्या होता है? मिडिल लेयर होता है कहीं। बट जितने भी आपके क्रस्टेशियंस हैं, सेलफिशस हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, तो उनके जो है वो काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। सो बेसिकली दीज एनिमल्स आर सराउंडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक एनवायरमेंट दैट आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इन्फेक्शन इन दीज एनिमल्स। सो दे आर वल्नरेबल टू डिजीज, क्योंकि जो पैथोजेनिक लोड होता है पॉन्ड वाटर में वो हाइयर होता है। अब अनलाइक फिश दैट पोजेस बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, मतलब सिमिलरली टू फिश, जैसे फिश में आपके एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम होता है, ठीक इसी तरीके से जो लोअर ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें भी ये इम्यून सिस्टम होते हैं, बट एडेप्टिव सिस्टम भी होंगे, इनेट सिस्टम भी होंगे, बट ट्रू एडेप्टिव सिस्टम, यदि हम ट्रू एडेप्टिव सिस्टम कहने का क्या मतलब है, दे हैविंग द मेमोरी सेल्स, इजंट इट? जो मेमोरी सेल्स होते हैं विच कैन सिंथेसाइज रेडी टू सर्व एंटीबॉडीज, ठीक है ना। सो व्हाई इट इज रिटेन ओवर देयर, दे लैक ट्रू एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, दे हैव एडेप्टेशन, दे हैव द एडेप्टिंग कैपेबिलिटी, बट दे लैक ट्रू एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। सो व्हाई समवेयर यू कैन फाइंड इट दैट ऑल दीज ऑर्थ्रोपोड्स, ऑल दीज क्रस्टेशियंस हैविंग स्पेशली नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम रेदर देन स्पेसिफिक, ठीक है। इवन स्पेसिफिक यदि है, वहां पे मेमोरी सेल्स नहीं होते हैं, यानी कि जो मेमोरी सेल्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो इम्यून सेल्स जिनका प्रोलिफरेशन होता है, जो डिविजन्स होता है, रैपिड नहीं हो सकता, तो इन दैट केस दे लैक ट्रू एडेप्टिव सिस्टम। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, यदि हम लोग देखें तो एक तो इनका हार्ड एक्सोस्केलेटन है, यहाँ पे हम लोग सिंपली देखते हैं कि बिकॉज ऑफ हार्ड एक्सोस्केलेटन एनी पैथोजेंस कैन नॉट गेट एंट्री इनटू दिस इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। आप सभी लोग एक्वाकल्चर पढ़ लिए हो ना,
सभी फिजियोलॉजी भी पढ़े होंगे, तो आप लोग जानते हो कि जो मॉल्टिंग स्टेज होता है दैट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज ऑर्थ्रोपोड्स, दीज क्रस्टेशियंस, एम आई राइट? सही बोल रहा हूं ना? यस सर। ठीक है, अब होता क्या है कि जब तक इनके हार्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं तब तक तो इनमें इंफेक्शन का जो खतरा होता है वो लगभग नलिफाइड रहता है, नील होता है। तो फिर इंफेक्शन कैसे हो सकता है? इंफेक्शन हो सकता है थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, थ्रू द फीडिंग बिहेवियर। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं वो भी हॉस्टाइल एनवायरमेंट के होते हैं, बिकॉज दे कंटेन्स अ ह्यूज ग्रुप ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स एंड विच एबल टू इनएक्टिवेट एंड डाइजेस्ट मेनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, तो ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये ससेप्टेबल टू डिजीज कब हो सकते हैं? तब हो सकते हैं जब इनमें मॉल्टिंग स्टेज हो रहा हो, जब इनके टिश्यू सॉफ्ट हो। मैं सही बोल रहा हूं ना? क्लियर? यस सर। जब जब इनमें मॉल्टिंग होगी, जब जब श्रिंप में मॉल्टिंग होगी, जब जब ऐसे इनवर्टिब्रेट्स में मॉल्टिंग होगी, जब इनके टिश्यू डेवलप हो रहे होंगे, क्योंकि ग्रोथ के लिए काइटिनस जो स्ट्रक्चर होता है वो इनलार्ज नहीं हो सकता है, तो हर एक लाइफ स्टेज में इनको मोल्ट करना होता है, मोल्टिंग होगी, फिर अगेन दे विल एक्वायर द हार्ड एक्सोस्केलेटन। इन बिटवीन दीज फेजेस दे आर वेरी ससेप्टेबल टू डिजीज, अदरवाइज दे आर प्रिवेंटेड बाय देयर हार्ड एक्सोस्केलेटन। अब जिस यहाँ पे जो पैथोजन के लिए जो दो इम्यून सिस्टम की बात हम लोग यदि करें, यदि सेल्यूलर और एक ह्यूमोरल, सेल्यूलर कहने का मतलब है सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ अ इम्यून सिस्टम, ऐसे पर्टिकुलर सेल जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, और ह्यूमोरल इम्यून कंपोनेंट दे आर द फ्लूड प्रोटीन्स, बॉडीली फ्लूड प्रोटीन्स दैट प्रिवेंट और विच कैन एक्ट एज अ मैसेंजर टू एक्टिवेट दीज इम्यून सेल्स टू न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस। क्लियर? सो बेसिकली यदि सेल्यूलर और ह्यूमरल ग्रुप में हम दो पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। अब सेल्यूलर कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं बेसिकली, तो एक हो सकता है हीमोसाइट्स, ठीक है, जैसे हमारे आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक इसी तरीके से जो श्रिंप होते हैं, जो आपके क्रस्टेशियंस होते हैं, इनमें होता है हीमोसाइट्स, इसलिए इनका कलर जो है आप, और हीमोसाइट्स कंटेन्स कॉपर मॉलिक्यूल, हम लोग को क्या होता है ये कॉपर के साथ बाइंड करते हैं, इसलिए जो हीमोसाइट्स होते हैं दे अपीयर लाइट स्लाइट ब्लूइश इन कलर, ठीक है, एकदम लाइट ब्लू कलर अपीयर होता है यदि आप उसको एक ट्यूब में लेकर के देखें। तो बेसिकली दे कंटेन हीमोसाइट्स, फेगोसाइटिक सेल्स, देन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन प्रोसेस थ्रू विच दे न्यूट्रलाइज अदर पैथोजेंस लाइक इनकैप्सुलेशन, यानी ये इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, वहां पे सेल प्रोलिफरेट होगा एंड दे इनकैप्सुलेट द पैथोजेनिक लोड, जब पैथोजेंस विद इन देयर उसको क्या बोला जाए कि एक सेल प्रोलिफरेशन होगा और विद इन देम दे इनग्रेव दीज पैथोजेंस एंड Ultimately, the pathogenic cells become dying. Clotting reaction. अब इनमें भी clotting reaction होता है, but the system is different here. ठीक है? एक होता है transglutaminase based और दूसरा होता है, हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है? Then fourth one, prophenol oxidase system. This is very much very important. हम आप लोग को discuss भी किए थे immunostimulant के case में, कि ये प्रोफेनोलॉक्सीडेज क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है, ये ग्रेन्यूलर सेल्स यानी हीमोसाइट्स, अभी हम लोग देखते हैं हीमोसाइट्स में कितने तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो हीमोसाइट्स होते हैं ये कितने तरह के सेल्स होते हैं और क्या प्रोफेनोलॉक्सीडेज का वर्क होता है। तो ह्यूमरल इम्यून कंपोनेंट्स इंक्लूड लाइसोजाइम्स, सो बेसिकली दीज आर एंजाइम्स प्रेजेंट इन द बॉडीली फ्लूड, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, सो बेसिकली दीज आर शॉर्ट पेप्टाइड्स which interfere the
मेटाबॉलिज्म और सेल वॉल कंपोनेंट्स ऑफ अ बैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया और द अदर पैथोजेनिक सेल्स बीइंग किल्ड लैक्टिन्स। ठीक है, तो ये सब सर्टेन ह्यूमरल इम्यून कंपोनेंट्स हैं। सेल्यूलर इम्यून कंपोनेंट्स में क्या क्या आ गए, जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं हीमोसाइट्स की, तो हीमोसाइट्स प्रेजेंट इन सर्कुलेटिंग हीमोलिम्फ प्ले अ क्रूशियल रोल इन इनवर्टिब्रेट इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली ये हीमोसाइट्स जो होते हैं, आप लोग याद करो तो ये थ्रू हीमोलिम्फ ये सर्कुलेट होते रहते हैं, जैसे हम इन केस ऑफ फिशेस देयर आर वेनस एंड आर्टरीज, इन केस ऑफ हीमोसाइट्स दे आर सर्कुलेटिंग थ्रू हीमोलिम्फ। ठीक है, अब ये जो हीमोसाइट्स होते हैं इसको हम यदि डिफाइन करें, एक होता है, अब ये जो सर्कुलेटिंग हीमोसाइट्स होते हैं ये इनमें तीन तरह के सेल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है हायलिन सेल्स यानी एच सेल्स, ठीक है, दूसरा होता है सेमी ग्रेन्यूलर सेल्स, बिकॉज ग्रेन्यूल्स द नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स विद इन दीज सेल्स आर लेस एंड ग्रेन्यूलर सेल्स, यानी हायलिन सेल्स, सेमी ग्रेन्यूलर सेल्स एंड ग्रेन्यूलर सेल्स। देन हायलिन सेल्स क्या है, दीज आर स्मॉल स्फेरिकल एंड आर लीस्ट इन नंबर्स among all hemocytes, तो सबसे कम नंबर में hyaline cells होते हैं। ठीक है, the number of hyaline cell population varies between different crustacean species, so why it is not given, shrimp में अलग होते हैं, crustaceans में अलग होते हैं, it depends, even though depends on the species, depends on the genus, depends on the phylum, so hyaline cells are capable of phagocytosis and destruction of invading pathogen। अब ये जो phagocytosis process होता है, जैसे इन केस ऑफ फिशेस में मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस थे, ये हायलिन सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटिक प्रॉपर्टीज होती है इनमें, क्लियर, तो दे पार्टिसिपेट्स इन द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, क्लियर। देन सेमी ग्रेन्यूलर सेल्स हैव वेरिएबल नंबर ऑफ स्मॉल इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकैप्सुलेशन and also contain the prophenoloxidase activating system, means ये जो semi granular cells होते हैं, सबसे पहले इनका काम क्या होता है, पहला काम होता है कि ये encapsulate कर सकते हैं, किसी भी bacteria को trap कर सकते हैं by proliferating surrounding that particular pathogen, apart from that the granules of these semi granular cells contain prophenoloxidase enzyme which after degranulation they convert into phenoloxidase and further the secretion of melanin pigments। ठीक है, तो phenoloxidase जो है वो oxidize तो करेगा ही, phenolic compounds release किया, इसके साथ साथ they also वो सेमीक्विनोन्स को क्विनाइन्स में बदल देते हैं। देखते हैं हम लोग, व्हेन पैथोजेंस और एनी फॉरेन पार्टिकल्स इन्वेड इनटू द बॉडी दीज सेमी ग्रेन्यूलर सेल्स एक्टिवेट एंड डीग्रेन्यूलेट, जैसे ही पैथोजेन या कोई फॉरेन पार्टिकल इस क्रस्टेशन के बॉडी में इन्वेड किया तो ये सेमी ग्रेन्यूलर सेल्स एक्टिवेट हो गए। हम लोग आपको बताए थे बीजीबीपी, बीटा ग्लूकान बाइंडिंग प्रोटीन, तो वंस दीज सेल्स हैविंग अ पर्टिकुलर रिसेप्टर they bind with the pathogen, then they activate, they degranulate, once they degranulate prophenoloxidase enzyme and the presence of serine proteases these prophenoloxidase enzyme converts into phenol derivatives। ठीक है, after degranulation these cells attach and spread on the foreign particles। अब इसके साथ साथ क्या होता है, ये degranulate किए और phenoloxidase enzyme को तो activate किए ही, इसके साथ साथ ये सेल्स क्या होते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं चारों फॉरेन एंटिटीज के सराउंडिंग। ठीक है, कोई भी फॉरेन एंटीजेंस होंगे उनके आगे, और इस तरीके से वो इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। दूसरा सेल्स क्या है, तो हायलिन सेल्स के बारे में पढ़े, हायलिन सेल्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फेगोसाइटोसिस, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस। सेमी ग्रेनुलर सेल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकैप्सुलेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट इनकैप्सुलेशन दे हैविंग द प्रोफेनोलॉक्सिडेज सिस्टम
और एंजाइम विद इन दीज ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूलर सेल्स में क्या होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म इज हायर, ओके, तो दीज सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन फेगोसाइटोसिस बट इन्वॉल्व इन साइटोटॉक्सिसिटी एक्टिविटी। यदि हम लोग इवोल्यूशनरी ओरिजिन से इस सेल के डेवलपमेंट को देखें, तो आप देखिए हायलिन सेल सिर्फ फेगोसाइटोसिस में होता है, और दूसरा होता है ग्रेन्यूलर सेल्स जहां पे लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। इन बिटवीन दीज आर द सेमी ग्रेन्यूलर सेल्स, यानी ये कहा जा सकता है कि इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के साथ साथ सेल अपने आप में कैसे मॉडिफिकेशन लाते हुए कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर गए ग्रेन्यूलर सेल्स में। सो सेमी ग्रेन्यूलर सेल में जब आप इनकैप्सुलेशन कैपेसिटी देखते हैं, तो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस नहीं हो रहा बट इनकैप्सुलेशन हो रहा है। ग्रेन्यूल्स है बट द लेस नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स आर देयर, प्रोफेनोल ऑक्सीडेज सिस्टम जो होता है वो स्लो होगा, बट इन केस ऑफ ग्रेन्यूलर सेल्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन फेगोसाइटोसिस। सो वी कैन से दैट दीज सेमी ग्रेन्यूलर सेल्स आर समवेयर द लीनिएज बिटवीन द हायलिन सेल्स एंड ग्रेन्यूलर सेल्स फ्रॉम द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीसीज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। क्लियर, मेरी बातें समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूं, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। क्लियर? देन सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं या तुम लोग भी सुन रहे हो? ओके, देन दीज सेल्स आर फिल्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। दीज सेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन फेगोसाइटोसिस बट इन्वॉल्व इन साइटोटॉक्सिसिटी एक्टिविटी। अब क्या होता है, दीज आर साइटोटॉक्सिक। लाइकवाइज वी हैव और फिशेस हैविंग अ टीसी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स होते थे, टी सप्रेसर सेल होते थे, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते थे। ठीक इसी तरीके से ये जो ग्रेन्यूलर सेल्स हैं, दीज दे आर बेसिकली इन्वॉल्व विद द साइटोटॉक्सिसिटी एक्टिविटी। नोड्यूल फॉर्मेशन, यानी नोड्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है, प्रोफेनोल ऑक्सीडेज सिस्टम एंड समटाइम्स इन्वॉल्व इन इनकैप्सुलेशन प्रोसेस, नॉट ऑलवेज। क्लियर? अब यहां पे हम लोग देखें फेगोसाइटोसिस। अब हम लोग देख लिए कि कौन कौन से फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटिक सेल्स थे। सो बेसिकली दीज फेगोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज फिक्स्ड फेगोसाइट्स, अनदर वन इज मोबाइल और सर्कुलेटिंग फेगोसाइट्स। जो फिक्स्ड फेगोसाइट्स हैं, जो मोबाइल और सर्कुलेटिंग फेगोसाइटिक सेल्स हैं, उसके बारे में आप लोगों ने जाना कि कैसे हीमोसाइट्स में जो हायलिन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो अदर जो सेमी ग्रेनुलर सेल्स सेल्स होते हैं जिसमें लीस्ट कैपेसिटी होती है, लीस्ट मतलब कम फेगोसाइटिक कैपेबिलिटी होती है, वो सेल्स होते हैं। फिक्स्ड फेगोसाइटिक सेल्स क्या क्या है, तो ये बेसिकली सर्टेन प्लेसेस पे या टिश्यू या ऑर्गेन्स पे आपके ये मिलते हैं, दिखते हैं, जब स्टेनिंग आप करोगे तो दिख सकता है वो कहाँ कहाँ होते हैं। बेसिकली दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द लेकुना ऑफ गिल्स, जो गिल्स रीजन होता है उनके लेक्यूने पे आप ये फिक्स्ड फेगोसाइटिक सेल्स देख सकते हैं। पेरिकार्डियल साइनसिस एंड बेस ऑफ अपेंडेजेस और पोडोसाइट्स, ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। मोबाइल और सर्कुलेटिंग फेगोसाइट्स, एज दीज कैन बी सीन इन हीमोलिम्फ विथ कंटिन्यूस सर्कुलेशन एंड दीज फेगोसाइट्स लोकलाइज इन द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी वन हैविंग? नो सर। ओके, नो सर। देन अनदर वन इज सेल्यूलर इम्यून कंपोनेंट्स। सेल्यूलर इम्यून कंपोनेंट्स में ये कुछ प्रोसेस है, इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस। तो होता क्या है, जब कोई पैथोजन या पैरासाइट बहुत ज्यादा बड़ा हो कि ये सेल्स उनको इनगल्फ नहीं कर पाए, हायलिन सेल्स इनगल्फ करने के लिए इनकैपेबल हो, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, ये कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे सेल से, एक हायलिन सेल दूसरे हायलिन सेल के साथ मर्ज करेगा और धीरे धीरे एक लेयर्स बना लेते हैं उस पैथोजन के सराउंडिंग एंड डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द पैरासाइट एंड ब्लॉक ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम सर्कुलेशन।
यानी ये पैरासाइट को ब्लॉक कर देते हैं। एंड नॉर्मली द सेल्स इन्वॉल्व इन द इनकैप्सुलेशन इज सेमी ग्रेन्युलर सेल्स। तो ये आ सकता है कि नॉर्मली द विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन द इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। सो बेसिकली दीज आर द सेमी ग्रेन्युलर सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स, हियालिन सेल्स बेसिकली, बट मोर और लेस ऑल दीज सेल्स आर दे टेक पार्टिसिपेशन इन ऑल प्रोसेस, बट नॉर्मली दीज आर द सेमी ग्रेन्युलर सेल्स विच पार्टिसिपेट्स इन इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। साइटोटॉक्सिसिटी में क्या होते हैं, अब ये क्या कर सकते हैं, ये दे आर कैपेबल इनफ टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर एंड नॉन ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स दोज सेल्स हैविंग अ अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ, जिन पर कंट्रोल अनरेगुलेटेड ग्रोथ जहां पे होता है जिस किसी सेल्स में, और ये किसकी वजह से हो सकते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। So present in the host by secreting cytotoxic molecules. So now, which were the cytotoxic molecules? These were the granular cells. So cells that are mainly responsible for cytotoxicity is granular and semi-granular cells. So the primary cells are granular, then secondary semi-granular, because semi-granular cell is the lineages between the granular and hyaline cells. Clear? So these are similar to mammalian natural killer cells. नेचुरल किलर सेल्स आपको याद है, नेचुरल साइटोटॉक्सिक सेल्स याद है, दे कंटेन सर्टेन एंजाइम्स लाइक परफोरिन एंड ग्रेन्युलाइसिन, नेचुरल साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक सेल्स में। सो होते क्या है, दीज साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक सेल्स दे रिकॉग्नाइज द फॉरेन पार्टिकल्स और टिश्यू, दे अटैच टू द फॉरेन पार्टिकल और टिश्यू एंड रिलीज दीज सर्टेन साइटोटॉक्सिक केमिकल विच किल्स द टारगेट। या तो ये पोरिंस क्रिएट कर देंगे, यानी उस सेल्स में एक चैनल्स बना देंगे, उस चैनल को बनाने के बाद क्या होता है कि वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा वो सेल, ठीक है। तो बेसिकली ये दो तीन प्रोसेस है, सो इनकैप्सुलेशन, साइटोटॉक्सिसिटी, नोड्यूल फॉर्मेशन। सो बेसिकली इफ वी सी दैट देर आर टू टिश्यूज, देर आर बेसिकली टू सेल्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड, मैं क्लास में हूं, मैं करता हूं थोड़ी देर में। सो टू सेल्स हो गया, एक हो गया मोबाइल और सॉरी ह्यूमोरल एंड सेल्यूलर कंपोनेंट। सो सेल्यूलर कंपोनेंट में आपने देखा हीमोसाइट्स, हीमोसाइट्स में कौन कौन से आ गए आपके, हियालिन सेल्स, सेमीग्रेनुलर सेल्स, ग्रेनुलर सेल्स। ये जो है इनकैप्सुलेशन हो या साइटोटॉक्सिसिटी और नोड्यूल फॉर्मेशन हो, दीज आर द प्रोसेस कैरीड आउट बाय दीज हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स भी क्या होते हैं, फिक्स्ड होंगे, मोबाइल होंगे, फिक्स्ड होंगे तो कहाँ पे होंगे, लैकुना ऑफ गिल्स पे होंगे, पोडोसाइट्स पे होंगे, ठीक है, यानी हार्ड एक्सोस्केलेटन में आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इनमें होता है क्लॉटिंग रिएक्शन। क्लॉटिंग रिएक्शन कहने का क्या मतलब है, क्लॉटिंग रिएक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रावास्कुलर क्लॉट्स फॉर रैपिड सीलिंग ऑफ वुंड्स। तो जैसे क्लॉटिंग रिएक्शन हम लोगों में होता है, फिशेस में होते हैं, ठीक इसी तरीके से क्लॉटिंग, हालांकि क्लॉटिंग रिएक्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे, हालांकि यदि आप जानना चाहें तो इसको मैं बता सकता हूँ। सो हीमोसाइट डिराइव्ड क्लॉटिंग कास्केड होता है, दूसरा होता है ट्रांसग्लूटामिनेज डिपेंडेंट क्लॉटिंग रिएक्शन, जो हॉर्स क्रैब में बेसिकली हीमोसाइट डिराइव्ड क्लॉटिंग कास्केड जो है वो हॉर्स क्रैब में देखा गया है, और ट्रांसग्लूटामिनाज जो होता है वो एंजाइम होता है, ये किस तरीके से एक्ट करते हैं आप लोग इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है जो अल्टीमेटली दे कंटेन्स कोगुलिनोजेन एंड दे कन्वर्ट इनटू कोगुलिन व्हिच इज अ इनसॉल्युबल क्लॉट एंड आफ्टर दैट दे सील द वुंड एंड इंट्रैप्स पैरासाइट और पैथोजेन दैट आर ट्राइंग टू इन्वेड द होस्ट, ठीक है। ट्रांसग्लूटामिनेज डिपेंडेंट क्लॉटिंग रिएक्शन में क्या होता है, तो बेसिकली श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब, क्रेफिश, यहाँ पर क्लॉटेबल प्रोटीन होते हैं जिसको सीपी बोलते हैं, ठीक है ना, इसका नाम ही है सीपी, इसको क्लॉटेबल प्रोटीन बोलते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ओके। तो बेसिकली ट्रांसग्लूटामिनेज होता है जो एंजाइम होता है, ये हीमोसाइट से रिलीज होते हैं जब भी कोई पैथोजेन या इंजरी हुई,
तो ये हीमोसाइट्स क्या करेंगे, ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम रिलीज करेंगे, और ये ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम जो है क्या करेगा, ये एक्टिवेट करता है कैल्शियम आयन को, और जब कैल्शियम आयन एक्टिवेट होंगे दे विल कैटेलाइज दीज क्लॉटिंग प्रोटीन्स इंटू लार्ज इनसॉल्युबल एग्रीगेट्स एंड अल्टीमेटली दे सील द वुंड्स। क्लियर? सो नाउ यू सी देयर वर टू क्लॉटिंग रिएक्शंस, हीमोसाइट ड्राइव क्लॉटिंग कास्केट एंड वन इज ट्रांसग्लूटामिनेज डिपेंडेंट क्लॉटिंग रिएक्शन। इतना ही है, ये आपके लिए काफी है। देन प्रोफेनॉल ऑक्सीडेज सिस्टम में क्या है, ये आप लोग को हम बताए हुए भी हैं। दीज आर बेसिकली इनिशिएटेड बाय रिकॉग्निशन ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड एंड पेप्टिडोग्लाइकन फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जो पेप्टिडोग्लाइकन होगा इसके साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया है देयर आर सर्टेन पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोपियो सिस्टम में क्या होता है, जैसे जो भी सेल्स हैं, जो भी इमोसाइट्स होते हैं, उनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, PRPs जिसको बोलते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोटीन्स। ठीक है, एंड दे कंटेन सेवरल जैमोजेनिक प्रोटीनेजेस एंड प्रोफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम। सो अल्टीमेटली दीज PRPs व्हेन बाइंड पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोटीन, व्हेन दे बाइंड विद द PAMP यानी पैथोजेन एसोसिएट मोलेकुलर पैटर्न। ठीक है, PAMP जब PRP यानी PRR पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तब दे विल एक्टिवेट जैमोजेनिक प्रोटीनेजेज एंजाइम्स एंड प्रोफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, एंड वंस जैसे कि हमने आपको बताया था BP बीटा ग्लूकान बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे beta-1-3 बाइंडिंग प्रोटीन है, यदि बाइंड कर गया इसके साथ, ये सेल्स बाइंड किए बीटा ग्लूकान, बीटा ग्लूकान किसका है, तो फंगस जो होते हैं उनके सेल वॉल का कंपोनेंट है, या पेप्टिडोग्लाइकन है तो उसके लिए। अब होता क्या है, दे एक्टिवेट एंड बाइंड स्पेसिफिकली टू अ सेल सरफेस एसोसिएटेड प्रोटीन, अ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, देन द रिकॉग्निशन ऑफ नॉन सेल्फ मटेरियल ट्रिगर्स द डीग्रेन्युलेशन ऑफ द सेमी ग्रेन्युलर एंड ग्रेन्युलर सेल्स। अल्टीमेटली these propio enzymes is released during this process and which is further activated to prophenol oxidase enzyme by these pathogens associated molecular pattern, they PAMP jo hai, theek hai। so basically kya hota hai, har ek bacteria ho chahe wo fungus ho, these having a certain molecular pattern known as pathogen associated molecular pattern, when they bind with the PRRs of pattern recognition receptors of these immune cells, they active prophenol oxidase enzyme, which these prophenol oxidase enzyme, this serine proteases activates these propio to phenol oxidase, and ultimately these PO is bifunctional copper containing enzymes which is known as tyrosinase and catalyze the early steps in the pathway to melanin formation। ultimately melanin formation karte hain aur ye melanin pigment which is black in color and helps the host to neutralize the pathogen। so basically hum log dekh sakte hain koi bhi shrimp yadi usme bahut zyada black dots, it means the shrimps are suffering from over burden of pathogenic load। theek hai, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये तो था सेल्यूलर फैक्टर्स। अदर डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या है, जैसे लैक्टिन्स हो गए, जैसे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हो गए। लैक्टिन्स का काम क्या है, एग्लूटिनेशन करना। आप लोग याद करो जब फिश के बारे में हम बताए थे, एग्लूटिनेशन क्या ये करता क्या है, सो बेसिकली दीज लैक्टिन्स आर अ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, सो दे बाइंड द कार्बोहाइड्रेट मोइटीज ऑफ अ पैथोजन। ठीक है, जैसे पॉलीस लाइपोपॉलीसेक्राइड के बारे में बात करें तो लाइपोपॉलीसेक्राइड इज अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया और ये कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये किसके साथ बाइंड कर गया, दीज प्रोटीन्स के साथ, यानी सर्टेन देर आर सर्टेन प्रोटीन्स विच आर नोन एज लैक्टिन्स, दे बाइंड विद दीज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एंड वंस दे बाइंड दे एग्लूटिनेट दीज पैथोजेंस, यानी जो मास ऑफ पैथोजेन है उसको एग्लूटिनेट कर देंगे, उसको प्रिसिपिटेट कर देंगे, एक जगह क्लबिंग कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे।
तो ये करते क्या है, दीज लेक्टिन्स कैन इंड्यूस एग्लूटिनेशन दैट कैन लीड टू फेगोसाइटोसिस एंड लेक्टिन्स कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑप्सोनिन्स. ऑप्सोनिन्स मीन्स दे कैन एक्ट एज अ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स फॉर दोज फेगोसाइटिक सेल्स विच कम्स एट द साइट ऑफ इंफेक्शन एंड इनगल्फ दीज पैथोजन. एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स क्या है? हेलो, थोड़ा क्लास में है सलमान जी, मैं थोड़ी देर में करता हूँ था. एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स क्या है? सो बेसिकली दीज आर द कंपाउंड पार्ट ऑफ ह्यूमरल डिफेंस सिस्टम इन क्रस्टेशियम दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनेट इम्यूनिटी. ठीक है, सो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड क्या है? सो बेसिकली दीज आर द शॉर्ट चेन पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ 150 to 200 एमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जैसे कि सर्टेन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स जो श्रिम्प्स में देखा गया है, पिनिडिन्स, पिनिडिन्स जो पिनियड्स में देखा गया है, पिनियड्स आप जानते होंगे, पिनिडे फैमिली है, पिनिडिन्स में देखा गया है, क्रस्टीन्स जो क्रैब्स में देखा गया है. तो बेसिकली दीज हैविंग अ एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ ऑफ द श्रिम्प. सो दीज आर द शॉर्ट पेप्टाइड्स. ठीक है, सो देर आर डिफरेंट पेप्टाइड्स आर देयर, यू कैन गो थ्रू इट, एंटी लाइपोपॉलीसेकेराइड फैक्टर्स एंड अदर्स. लाइसोजाइम, नाउ अनदर वन इज लाइसोजाइम. सो द हीमोसाइट्स एंड हीमोलिम्फ कंटेन लाइसोजाइम्स दैट कैन एक्ट अगेंस्ट द पैथोजन. वंस एंटीजन और पैथोजन इंटर्स द बॉडी कैविटी इट विल स्टिमुलेट द हीमोसाइट्स टू सिंथेसिस अ हायर क्वांटिटी ऑफ लाइसोजाइम. और लाइसोजाइम क्या है? इट कंटेन्स एंजाइम. ठीक है, दीज हैविंग अ सर्टेन एंजाइम्स विच व्हेन रिलीज दे कैटालाइज द पैथोजेन, दे डिस्ट्रक्ट दे डिस्ट्रॉय द पैथोजेन. ओके, तो लाइटिक इनमें प्रॉपर्टी होती है लाइटिक लाइसिस करने की. तो ऑब्वियसली दीज लाइटिक एंजाइम्स व्हेन दे विल बी रिलीज्ड और दे आर फाउंड इन द थ्रू आउट द हीमोलिम्फ एज अ फ्लूड मैटर्स. सो व्हेन दे कम्स इनटू कांटेक्ट विद द पैथोजन दे कैन डायरेक्टली लाइज दीज सेल. सो बेसिकली दीज वर द क्रस्टेशियन डिफेंस सिस्टम. यू शुड हैव टू नो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विद दिस टॉपिक यू कैन आस्क. किसी को कोई डाउट? एनीवन?